मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है, बट आई एम पैशनेटली क्यूरियस. ये मैंने नहीं कहा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा. भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनका मानना था कि अगर आप पैशनेटली क्यूरियस, मतलब कि आप में सब कुछ जानने की इच्छा है और बहुत सारे पैशन के साथ में, तो फिर आप दुनिया को टैलेंटेड दिखते हैं. तो चलिए सिंपल सा एक टोस्ट बनाते हैं. और ये जो है ना, ये सैंडविच टोस्टर पुराने ज़माने वाला, बिना बिजली वाला, इससे. तो इसमें क्या करना है, एक कुछ जो चीज़ें तैयारी करनी है मैं आपको बताता हूँ. ये मेरे पास में है संतरे का जूस. गर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि इसका मॉइस्चर थोड़ा सुखा लें और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, थोड़ा स्वीट हो जाए. इसके बाद एक ये लीजिए, लड्डू से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है. ये लड्डू मोतीचूर का. और ये मेरे पास कुछ पेड़े, ये पेड़े आ गए. ये कुछ काजू कतली है. तो ये जो काजू कतली है, अच्छा ये नहीं मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें, मिठाई जो है होता है या होती है, मिठाई तो होती है, तो फेमिनिन हो गया, मिठाई होती है. काजू कतली होती है, लड्डू होता है, बर्फी होती है, पेड़ा होता है. तो ये कैसे हो गया, कुछ चीज़ें फेमिनिन कुछ मैस्कुलिन, ये कैसे हो गई समझ नहीं आया मुझे. खैर छोड़े, कोई बात नहीं. अब ये होता है या होती है, ता है या ती है, ये इसके अंदर काट के डाल दिया. और ये इसमें ज़रा लड्डू पेड़ा सब मिला देते हैं. इसके साथ साथ ये कुछ और चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे ये है, ये भाई अंजीर और नट्स और डेट्स की बर्फी कुछ दिख रही है मुझे. तो ये जो बर्फी है ये ले ली, और फिर इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं. बढ़िया, फर्स्ट क्लास. और ये जो अब चीज़ तैयार हो रही है ना, ये मिक्सचर तैयार हो गया मिठाई का. और ये लेकर अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं, ये लीजिए, ये ले लिया हमने ब्रेड स्लाइस. ब्रेड स्लाइस लेने के बाद मक्खन जो है ये इसके ऊपर, थोड़ा सा मक्खन, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मक्खन, हल्का सा मक्खन. ये लीजिए, ये मक्खन लगा दिया ब्रेड पे. और फिर ये जो है हमने ले लिया इस मिक्सचर को, मिठाई का मिक्सचर ये ब्रेड में. तो ये अच्छी तरह से लगा दिया. और इसके बाद अब ये जो है ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर दबा दिया. एक बार फिर थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन. और ये जो है बन रहा है मिठाई टोस्ट. तो अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मक्खन इस पे, थोड़ा सा मक्खन इस पे, और ये जो है इसको इस तरह से, ये ब्रेड अब इसे पकाने के लिए गैस के ऊपर. ये जो संतरे का रस है ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है. इसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, अच्छा फ्लेवर आएगा. बहुत बढ़िया, वाह. बंद कर देते हैं इसे. तो ये अब पक गया अच्छी तरह से, ये लाल हो गया, बंद कर दिया. इसे ले लेते हैं और निकालते हैं. वाह, बढ़िया से लाल. भाई ये जो है मक्खन के साथ में, और इसे वाह 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 राम जी, ये ले लिया. और इसके बाद ये जो संतरे का रस है इसको ऐसे नहीं डालना, इसके अंदर डालेगा थोड़ा शहद. ये शहद इसके अंदर. अच्छा आपको इतनी मेहनत नहीं करनी ना, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं मेपल सिरप के साथ भी. मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं. अब इसके बाद ये जो सॉस है इसके ऊपर,
डिलिशियस. नाम अभी भी वही है, संजीव कपूर. आप मिठाई टोस्ट क्यों सोच रहे हैं? मिठाई टोस्ट बनाने के लिए 8 सफेद ब्रेड के स्लाइस, 1 मोतीचूर लड्डू, 2 पेड़े, 2 काजू कतली, 2 अंजीर बर्फी, 1 कप संतरे का रस, मक्खन आवश्यकतानुसार, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद. मिठाई टोस्ट बनाने के लिए संतरे का रस एक नॉनस्टिक पैन में डालकर पकाएं जब तक वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए. एक बोल में मोतीचूर लड्डू डालें, फिर उसमें पेड़े डालें, काजू कतली को दरदरा काट लें, सब चम्मच से दबाकर मसल लें. अब अंजीर की बर्फी को दरदरा काट लें और अच्छी तरह मिला लें. ब्रेड के हर स्लाइस पर हल्का सा मक्खन लगाएं, 4 स्लाइस पर मिठाई का मिश्रण फैलाएं, फिर उन्हें बचे स्लाइस से ढक दें और हल्का सा दबाएं. अब इस सैंडविच के दोनों तरफ मक्खन लगाएं, सैंडविच टोस्टर के अंदर से थोड़ा और मक्खन लगाएं और उन पर सैंडविच रखें और टोस्ट कर लें. बीच बीच में टोस्टर को पलटें ताकि सैंडविच दोनों तरफ से सुनहरा हो जाए. गाढ़ा किए संतरे के रस में दालचीनी पाउडर डालें, फिर शहद डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हर सैंडविच को काटकर 2 त्रिकोण बनाएं, उन्हें सर्विंग प्लेट पर रखें और उन पर संतरे का रस डालें और तुरंत परोसें.